हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसानों की तरह जानवरों को भी काफी भूख लगती है और इंसान जैसे तैसे करके अपनी भूख मिटा लेता है, लेकिन क्या कभी आपने इन मासूम जानवरों के बारे में सोचा कि वो अपनी भूख कैसे मिटाते होंगे? उन्हें अपनी भूख मिटाने के लिए कितने संघर्षों का सामना करना पड़ता होगा, और तो और उन्हें कई बार भोजन की तलाश में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे जानवरों के किस्से आज हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो का एक वाकया आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर क्यों इन गाँव वालों ने लगभग 300 मगरमच्छों को एक साथ मार डाला। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सबसे पहले इस खौफनाक दृश्य को देखिए, जिसे देखकर हमारे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया के गांव का है, जहां पर मगरमच्छ ने एक आदमी पर हमला कर उसे मार दिया था, जिसके बाद वहां के रहने वाले सभी लोगों ने मगरमच्छ के आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए 300 से भी ज्यादा मगरमच्छों को पकड़कर उनको मार डाला। और जब तक इस बात की खबर पुलिस को हुई, तब तक वहां के लोगों ने लगभग 300 मगरमच्छों को मार कर निपटा दिया। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप ही हमें बताइए कि इंसान ज्यादा खतरनाक होते हैं या फिर जानवर। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आपने मुर्गी पालने वाले कई फार्म हाउस को देखा होगा, जहां पर हजारों की तादाद में मुर्गियां पाली जाती हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने न जाने कितनी ही मुर्गी को पाल रखा है, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। चाइना के रहने वाले इस शख्स ने इतनी सारी मुर्गियों को पाल रखा है जिनकी आप गिनती भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, इस शख्स ने तकरीबन 70,000 मुर्गियों को पाल रखा है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये खुद इस इंसान ने बताया। इसके साथ ही ये इंसान अपनी मुर्गियों को भरपेट खाना भी खिलाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक इंसान फावड़े की मदद से इन मुर्गी को खाना खिला रहा है। और तो और, इसने इतनी सारी मुर्गियों को अपनी ही जमीन पर पाल रखा है, और ये लोग इसी तरह अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव भी आते हैं और लोगों को ये अद्भुत दृश्य भी दिखाते हैं। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इनके 50 से 60,000 तक फॉलोअर्स हैं, और लोग इस दृश्य को देखना भी काफी पसंद करते हैं। आपने इंसानों की रेस तो जरूर देखी होगी, लेकिन क्या कभी आपने कुत्तों की रेस देखी है? तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब ना होगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जहां बहुत सारे कुत्तों को एक जगह इकट्ठा करके प्लेटफॉर्म पर रेस लगवाई जाती है, जहां उस प्लेटफॉर्म के आजू बाजू कुछ खाना भी रखा हुआ था, जिसे देख निमो नामक एक भुक्कड़ कुत्ते की नियत भटक जाती है, जिसके बाद बाकी सभी कुत्ते रेस जीत जाते हैं। इस कुत्ते का मालिक फिनिशिंग पॉइंट पर बैठकर इसे आवाज लगाता रहा, निमो फास्ट, निमो फास्ट। लेकिन भाई साहब, निमो को तो सबसे पहले अपनी पेट पूजा करनी थी। इस कुत्ते की ऐसी हरकत देखकर वहां के सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए, और ये वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हुआ, और इसे जिस किसी ने भी देखा उसका हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। आपने जंगल के राजा शेर के बारे में तो काफी कुछ सुना होगा, क्योंकि ये जंगल का इकलौता ऐसा जानवर है जो बहुत कम ही मुसीबतों में पड़ता है और बाकी सभी जानवरों और इंसानों को चक्कर में डाल देता है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो नीदरलैंड के एक जू का है, जिसे देखने के बाद सभी लोग भौचक्के रह गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि यहाँ पर 3 शेर फीडिंग बैरल से खाना खा रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक शेर का मूस फीडिंग बैरल में फंस जाता है, जिसके बाद उस बेचारे को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो अपना मूस बैरल से निकालने के लिए इधर उधर भागने लगता है। हालांकि उसके दोस्त भी उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फायदा नहीं होता। देर तक ऐसी ही मशक्कत करने के बाद शेर थक हार कर एक जगह बैठ जाता है, क्योंकि उसकी सभी कोशिशें नाकाम साबित हो जाती हैं। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बात का पता चला कि एक पशु चिकित्सक ने आकर इस शेर की मदद की और यहाँ से इसे आजाद कर दिया। दोस्तों, आपने जानवरों और इंसानों की दोस्ती के बहुत से किस्से कहानियां सुने होंगे, और बहुत से जानवर ऐसे भी होते हैं जो इंसानों से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और ऐसे ही एक वाकया हम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां आप इस वीडियो में देखेंगे कि ये जो बंदा है वो एक जू कीपर है, और यहां पर बैठे उन सभी शेर, बाघ, चीते और तेंदुए की देखरेख कर उन्हें प्यार भी कर रहा था। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सभी खतरनाक जानवर कैसे इस इंसान के इतने अच्छे दोस्त होते हैं कि इसके सामने कोई भी ऊंची आवाज नहीं निकाल रहा।
लेकिन तभी दूर खड़े तेंदुए को देखकर ऐसा लगता है कि वो उस जू पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन वहां पर मौजूद एक बाघ ने उसकी इस प्लानिंग पर पानी फेर दिया और अपने मालिक को इस तेंदुए के हमले से बचा लिया। लेकिन दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह थी कि हमला करने वाला ये तेंदुआ इस ज़ूकीपर के पास आकर शांति से बैठ जाता है, जिसे देखने पर सभी को सिर्फ आश्चर्य ही हो रहा है। चलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो ब्राजील के एक नदी के पास की है, जहां कुछ प्यारे से पक्षी और कबूतर नदी के पास पानी पीने आए थे। लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने उन प्यासे पक्षियों के साथ एक भूखी मछली को भी पानी में तैरते देखा, जहां पर सभी प्यासे पक्षी पानी पी रहे थे। तभी उन लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। वहीं ये मासूम पक्षी इस खतरे को भांप नहीं सके और दूसरी तरफ ये मछली धीरे धीरे उनके इतने नजदीक बढ़ती रही, जिसके बाद वहां पर पानी पी रहे कुछ पक्षियों ने उस खतरे को महसूस कर लिया और वो वहां से भाग निकले। लेकिन मछली ने मौका देखते ही अपने शिकंजे में एक कबूतर को ले लिया और पकड़कर पानी के अंदर ले गई। लेकिन कबूतर महाशय भी काफी चालाक निकले और वहां से जैसे तैसे खुद को बचाकर वहां से भाग निकले और उस भूखी मछली को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। अब आप इस वक्त जिन दो बाघों को देख रहे हैं, असल में वो काफी भूखे थे और भोजन की तलाश में इधर से उधर घूम रहे थे। और दोस्तों, जैसे ही उनको खाना मिला तो ये उस पर इस कदर टूट पड़े कि मानो ये काफी अरसे से भूखे हों। लेकिन इसी बीच एक बाघ को मिर्गी का दौड़ा पड़ा, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा और वहीं तड़पने लगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये बाघ अपनी मुश्किल परिस्थितियों से उबर जाता है और कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। दोस्तों, अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं, उसे देखकर आप शॉक हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको एक ऐसा बंदर दिखेगा जो बाकी बंदरों से स्पेशल है, जिसे साफ सफाई बेहद ही पसंद है। आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे ये बंदर अपने आप को रगड़ रगड़ कर नहा रहा है। क्या आप भी ऐसा बंदर पालना चाहेंगे? आप हमें अपने राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बड़े हाथी तो हम इंसानों के लिए खतरनाक होते ही हैं, लेकिन छोटे हाथी भी कुछ कम नहीं होते। इस बात का अंदाजा आप हमारी इस वीडियो को देखकर लगा ही सकते हैं, जहां पर एक छोटा हाथी इन मोहतरमा के साथ खेल रहा था कि इसी बीच इस शैतान छोटे हाथी ने मोहतरमा के बाल पकड़ लिए, जिसके बाद उसने उसे मुंह में डाल लिया। वो तो शुक्र रहा कि पास खड़े लोगों ने उस मोहतरमा को उस हाथी से बचा लिया और उसके बाल हाथी के मुंह से निकाल दिए। लेकिन दोस्तों, हाथी को शायद मालूम था कि उसकी वीडियो बनाई जा रही है, इसी वजह से ये अपनी सूंड की मदद से किसी को अपने गले लगाना चाहता था। हालांकि पहली मोहतरमा ने इसे साफ साफ इनकार कर दिया, मगर फिर हाथी ने दूसरी मोहतरमा को कहा, अब तुम कहाँ जा रही हो, इधर आओ, साथ में एक सेल्फी तो क्लिक करवा लेते हैं। दोस्तों, इंसान की तरह ही कई बार कई जानवर मजाकिया होते हैं, जो अपने मालिक के साथ ही मजाक कर बैठते हैं। अब ऐसे ही कुछ हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में देखिए, जब इसकी मालकिन एक कोने की सफाई कर रही होती हैं, कि तभी वहां पर एक टर्की आकर मालकिन के पीछे चूंच मार देता है, जिसे देखकर यही लगता है कि ये तो बड़ा ही शैतान जानवर है। दोस्तों, अब आप इस तोते को ही देख लीजिए। इसे देखकर ऐसा लगता है कि साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड इसे ही मिलना चाहिए, जहां इसके मालिक ने जैसे ही इसको एक नकली गन दिखाई तो तोता मरने की एक्टिंग करने लग जाता है। और इसके इस एक्टिंग के आगे तो बॉलीवुड के अच्छे से अच्छे एक्टर भी फेल हो जाएंगे। आज के समय में जहां लोग काफी आलसी होते जा रहे हैं, तो वहीं आप जरा इस बिल्ली को देखिए कि कैसे ये अपनी बढ़ते पेट को देखते हुए एक्सरसाइज कर रही है, मानो जैसे आज ही अपने सिक्स पैक निकाल लेगी। इस बिल्ली को देखकर आजकल के यंगस्टर को इससे कुछ सीखना चाहिए। अब आप इस वीडियो में एक बंदर को देखिए, जो एक आदमी के द्वारा दिखाए गए मैजिक शो को देखकर काफी ज्यादा बौखला जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये इसने किया तो कैसे किया। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।